तो नीट 2023 के लिए एक मैं लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूँ आप लोगों के साथ। कुछ टाइम पहले एक आरटीआई फाइल की गई थी एनटीए के लिए, एंड उस आरटीआई के रिप्लाई में एनटीए ने बोला है कि नीट 2023 में कोई भी मेजर चेंज नहीं रहने वाला है। जैसा अब तक नीट 2022 तक रहा है वैसा ही लगभग नीट 2023 रहेगा। तो इसके क्या इम्प्लीकेशन है आपके ऊपर, आज इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कट ऑफ की, कि क्या कट ऑफ रहने वाली है नीट 2023 की, एंड उसी के हिसाब से आप अपना गोल सेट करेंगे कि आपको मिनिमम कितने मार्क्स एग्जाम में लेकर आने हैं। तो अगर हम बात करें कट ऑफ की, कट ऑफ कितनी जाएगी, ये जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कट ऑफ किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। देखो दोस्तों, कट ऑफ मेनली कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। उनमें से जो नंबर वन फैक्टर है वो है टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, कि कितने ज्यादा बच्चे एग्जाम लिखने वाले हैं। एप्लीकेशन भी प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो एज ऑफ नाउ वी डू नॉट नो कि कितने बच्चे देंगे एग्जाम, बट लास्ट ईयर का ट्रेंड देखते हुए एक जो सेफ गेस है वो होगा 19 to 20 lakhs। तो अगर 20 लाख के अराउंड बच्चे देते हैं एग्जाम, वो एक सेफ बेट होगा इस साल का। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर नंबर टू है वो है क्वालिटी ऑफ एग्जाम, लेवल ऑफ एग्जाम। एंड एनटीए ने बहुत साफ शब्दों में बोल दिया है कि कोई भी मेजर चेंज नहीं आएगा। कहने का मतलब कि नीट वैसा ही रहने वाला है जैसा अब तक होता आया है, एंड जो जेईई मेंस एग्जाम्स हुए हैं उनका जो रिव्यू आ रहा है वो यही है कि पेपर स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से थे, पेपर का जो लेवल था वो काफी ईजी था, स्पेशली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का। तो ये सोचते हुए कहना बहुत सेफ होगा कि नीट 2023 भी काफी इजी रहने वाला है, स्ट्रेट आउट ऑफ एनसीईआरटी रहने वाला है। अब ये दोनों ही चीजें क्या आपके लिए एक अच्छी न्यूज है? आई डोंट थिंक सो। अगर एग्जाम बहुत सिंपल हो जाता है, जो एप्लीकेंट्स हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो दोनों ही चीजें कट ऑफ को और ज्यादा बढ़ाती है। लास्ट ईयर्स में कट ऑफ स्काई रॉकेट की आपको पता ही है, टाइम था कि जब 650 पे आपको डबल डिजिट रैंक यानी कि अंडर 100 रैंक मिल जाती थी, अब 720 नंबर मिला रहे हैं बच्चे पिछले कुछ सालों से, एंड यही ट्रेंड सैडली इस साल भी रहने वाला है। कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है, एंड हो सकता है कि लास्ट ईयर के मुकाबले 5-10-15 नंबर कट ऑफ और ज्यादा चली जाए। तो आपका जो सेफ स्कोर है कॉलेज मिलने के लिए, आई वुड से वो 620-625 रहने वाला है। 620-625 मिनिमम स्कोर आपने अचीव करना ही करना है, उतना आपने गोल बनाना ही है। अगर वहां तक आपका स्कोर नहीं आया तो हो सकता है इस साल आपको कॉलेज ही ना मिले। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर कट ऑफ इतनी हाई रहती है, पेपर लेवल इतना ईजी होता है, तो आपका मार्जिन ऑफ एरर उतना ही गिरता चला जाता है। मार्जिन ऑफ एरर मतलब कि आप कितने सब्जेक्ट में, किस किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस गलत कर सकते हैं बिना अपनी रैंक को ज्यादा हर्ट किए हुए। तो कुछ टाइम पहले, 3-4 साल पहले तक आपका मार्जिन ऑफ एरर था कि आप हर एक सब्जेक्ट में अगर 2 क्वेश्चन में गलत कर देते हैं तब भी जो आपका स्कोर है वो 680 के अराउंड रहेगा, एंड आपको गुड इनफ अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन लास्ट ईयर से अगर हम ट्रेंड देखें तो जो मार्जिन ऑफ एरर है बहुत ही कम हो चुका है। अब आप किसी भी 3 सब्जेक्ट में, आउट ऑफ द टोटल 4, आप किसी भी 3 में सिर्फ 1 क्वेश्चन गलत करने का मार्जिन ऑफ एरर रख सकते हैं, तभी जाके आपका स्कोर 705 आएगा, प्रोवाइडेड कि आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, एंड तब जाके आपको एम्स दिल्ली मिल सकता है। तो आपका मार्जिन ऑफ एरर गिरता ही जा रहा है। उसको इंप्रूव करने के लिए आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट पे, अपनी कंसिस्टेंसी और अपनी एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किन चीजों को यूज करके आप अपने मार्जिन ऑफ एरर को रिड्यूस कर सकते हैं, कि जो आपके मार्क्स हैं वो एज हाई एज पॉसिबल आप अचीव कर सकें, एंड आप अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सकें। आपके क्या प्रेडिक्शन है कट ऑफ को लेकर, नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार। प्लीज लाइक द वीडियो, लीव अ कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।